तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक्स के बारे में। कभी कभी इस तरह का डेटा जब हमारे पास आता है तो हमारा दिमाग पूरी तरह से झलना जाता है कि आखिर रिपोर्ट हम बनाएं कैसे। तो क्या है डेटा? डेटा बेसिकली क्या है कि हमारे पास नेम ऑफ लिस्ट है जो कि 400 के आसपास लिस्ट है, इसमें रिपीटेड भी है, और जो डेट हमारा है वो डेट हमारा रो वाइज है जो कि 8 महीने का डेटा है, इसके नीचे सेल्स है। अब मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे कि मंथ वाइज, सॉरी नेम वाइज कर लेते हैं, कि नेम वाइज और जैन फैब के हिसाब से रिपोर्ट आना चाहिए। तो समझ में आया राशिद जी एंड राजेश जी? जी तो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो डेट्स है वो कॉलम में, यही पे प्रॉब्लम है। जो मेन प्रॉब्लम है यहीं पर है कि जो हमारा जो कॉलन है ये हमारा क्या है, कॉलम वाइज है। अगर डेटा हमारा कुछ इस तरह से होता, मैं बता रहा हूँ आपको कि डेटा हमारा कुछ इस तरह से होता कि यहाँ पे होते नेम, यहाँ पे होता डेट और यहाँ पे होता सेल्स, तो हमारे पास दो रास्ता है, बस दो रास्ता, ठीक है ना। अब दो रास्ता में एक रास्ता क्या है कि आप 1 by 1 गधों की तरह काम करें और 1 by 1 इसको कॉपी करें और पेस्ट करें। हम अपने स्लोगन में बराबर कहते हैं कि हम सिखाते हैं आपको स्मार्ट वर्क नॉट ए हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपके सामने हमने डेट डाला और इसमें सेल्स डाला। अब यही प्रक्रिया हमें 8 महीने के डेटा के पास साथ करना पड़ेगा, मतलब कि 220 से 240 के आसपास कॉलम्स के लिए। अब कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, महाज्ञानी लोग होते हैं, इसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, और हम लोग भी जो है 2007 तक जो है 13 तक हम लोग भी वीवीए प्रोग्रामिंग ही लिखते थे। मेरे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको इस पे, लेकिन आपके पास आ गया 2003, 16, 19 तो आपके पास एक ऑप्शन है पावर पिवट का, जिसमें है पावर क्यूरी, जिसमें है अनपिवट डेटा। तो कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है डेटा को, और सबसे पहले करना है यहाँ डेटा मेनू बार में फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉर टेबल रेंज। टमाटर डालू? अब टेबल रेंज करेंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया एंड ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपका खुल जाएगा पावर क्यूरी एडिटर। अब इसका पावर बीआई से कोई लिंक नहीं है, बट पावर बीआई भी इसका यूज करते हैं, बट इसका कोई लिंक नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि पावर बीआई का पार्ट है, ये आपका पार्ट एक्सेल का ही है। तो पावर क्यूरी एडिटर खुल गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अलग अलग कॉलम्स हैं। तो करें क्या, तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा और आगे कि आपके सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा। अब किसको? नेम को नहीं, क्योंकि आपको जिस जिस कॉलम को रो के अंदर डाला है, रो वाइज लाना है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, नेम को नहीं कीजिएगा। जो रो में ऑलरेडी रहेगा उसको रहने दीजिए, ठीक है। हालांकि इसको हम एक साथ भी इस तरह से एक एक करके करते हैं, हम एक बार भी यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे ना, तो ट्रांसफॉर्म में मिलेगा आपको अनपिवट कॉलम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पिवट पढ़ाते पढ़ाते अनपिवट पढ़ाने लगे। जो पिवट होता है उसको हमारी किताबी भाषा में मैट्रिक्स फॉर्मेट कहते हैं। शायद आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे 10th 12th में, अगर याद होगा तो मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो इसलिए यहाँ पे अनपिवट डाला गया है, क्योंकि अनपिवट मतलब
कि जो पिवट फॉर्मेट में डेटा है, पिवट की फॉर्म में डेटा है, उसको डेटा फॉर्म में लाना। अब इसको अनपिवट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। आप बोलोगे सर ये तो हमको समझ भी नहीं आया, तो सुजीत सर मेरा वीडियो डिसकनेक्ट हो गया था, मुझे सिर्फ जैसे डेटा आपने जब पावर को इससे लेके आए थे ना टेबल पे, उसके बाद किया क्या सर थोड़ा सा बता दीजिए। हम पहले पूरा करेंगे अपना, फिर दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक, बीच में से पढ़ाने में थोड़ा सा क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो एट्रीब्यूट के जगह पे डाल दीजिए डेट, और डेट के जगह वैल्यू के जगह पे डालिए सेल्स या जो भी डालना है। हो गया, अब आपका डेटा कन्वर्ट हो गया। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो पूजा पूजा सिर्फ दिख रहा है। अब पूजा का सेल 8 महीने का है, तो 8 महीने तक पूजा तो दिखेगा ही दिखेगा ना सर, उसके बाद बाकी आएंगे। अब इसको आपको क्या करना है कि होम पे आना है, लोड एंड क्लोज। अब लोड एंड क्लोज करेंगे ना सिर्फ, तो क्या होगा कि जैसा डेटा है ना वही डेटा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं, हम लोड एंड क्लोज टू करेंगे। लोड एंड क्लोज टू में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पिवट टेबल रिपोर्ट। पिवट टेबल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। आ गया। अब इसमें हम डेट को रखते हैं कॉलन में, और नेम को रखते हैं यहाँ, और सेल्स को रखते हैं यहाँ। आप सोचेंगे सर तो सेम ही हो गया, जो यहाँ था वही यहाँ हो गया, ये दिनों में फर्क क्या रहा? फिर सोच रहे हैं ना सर? जी सर, फर्क है इसमें, दो फर्क है। पहला कि आपका नाम जो रिपीटेड था वो यहाँ पे यूनिक हो गया, और यहाँ जो अलग अलग फील्ड थे सो एक फील्ड हो गया। अब एक फील्ड हो गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ग्रुप। कैन नॉट ग्रुप दिस सिलेक्शन, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? एक मिनट, डेट को रखता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ रखता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ ग्रुप। अब ग्रुप क्यों नहीं हो रहा है पता है सर? ग्रुप ना होने के पीछे रीजन ये है कि ये अभी तक डेट ये नहीं है। पावर क्यूरी में जब डेटा ले गए तो वहां जो कन्वर्ट हुआ ये डेट नहीं रहा, ये टेक्स्ट बना दिया गया। तो हमें एक बार और इसको डिलीट करके अब राजेश जी का जो मनोकामना है उसको पूरा करना होगा, पूरी हो गई, दोबारा से बना पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ। अब चलिए तो हम वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा मेनू बार में जाते हैं, और यहाँ गेट डेटा के अंदर में फ्रॉम अदर सोर्सेज में फ्रॉम टेबल एंड रेंज को लेना होगा। किसको लेना है? टेबल एंड रेंज। इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने का पहला टेबल हुआ ना उसको उसमें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। हालांकि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है, पावर क्वेरी में जाके वापस इसको हम सही कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने बोला चलिए राजेश जी का रिक्वेस्ट है तो दोबारा ही बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी कॉलम्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो रो में रखना है, जैसे नेम को रो में रखना है ना, उसको सिलेक्ट मत कीजिएगा। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में अनपिवट कॉलम्स को क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आ गया। अब ये जो है डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ देखिए डेट टाइप टेक्स्ट है ना, इसको कर दीजिए डेट, डेट एंड टाइम या डेट कर दीजिए। अब डेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका नाम जो है एट्रीब्यूट के जगह पर आप अपने समझदारी के अकॉर्डिंग डेट डाल दीजिए या वैल्यू डाल, यहाँ पे सेल्स डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे होम में लोड एंड क्लोज एंड क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे पिवट टेबल रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कीजिए एंड देन ओके। अब जो है हम यहाँ पे नेम रखेंगे, यहाँ पे सेल्स रखेंगे, और यहाँ पे डेट को रखेंगे। अब देखिए यहाँ डेट मंथ वाइज होना गया ग्रुप,
अब राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप पे जाइए और यहाँ से डेज को हटा दीजिए, मंथ रख दीजिए। आपका सेल नेम वाइज मंथ वाइज आ गया। अब बताइए आप लोगों को कंफ्यूजन है? नो सर, क्रिएट कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब यहाँ पे एक बात है, इसको तो आप लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए, क्योंकि पावर क्यूरीज तो आपको 16 और 19 में, 13 में आई थिंक नहीं है पावर क्यूरी, या उसका पैचेस डाउनलोड हो जाता, हो सकता हो। तो 19 में नहीं है सर, 13 में आई थिंक नहीं होना चाहिए। हां 13 में नहीं, 16 से चार पाँच साल पहले हमने 13 छोड़ दिया, 5 साल की बात पे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। ऐसे भी एज 34 के आसपास आ गया है तो अब भूलने की बारी लगेगी ना सर। तो यहाँ जो है इसका दूसरा उपाय भी है बीवी के अलावा, एक यहाँ पे आता है, यहाँ फ्रॉम वेब हो गया, हाँ यहाँ माइक्रो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी जो हाइलाइटेड नहीं है, ऐसे हमने क्लिक कर रखा है कहीं और, इसलिए एक मिनट यहाँ अब होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी इस पर कर सकते हैं, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा इसमें एसक्यूएल की नॉलेज चाहिए। अगर एसक्यूएल के ज्ञान नहीं है तो यह ज्ञान है आपके लिए। तो इसको हम पढ़ाएंगे जब डेटा मेन्यू पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगर आप लोग याद रख सके तो। ठीक है, ठीक है सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम स्लाइसर्स के साथ। ओके बाय, बाय।